ज्यादा खून और खंजर देखे हैं। मेरी को कोई मुसीबत से बचा सकता है तो तुम हो। तो फाइनली दोस्तों, जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा की जो एडवांस बुकिंग है वो इंडिया में भी शुरू हो चुकी है और फिल्म को जिस तरह ओवरसीज मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ रिस्पांस मिला था उसी तरह फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी एडवांस बुकिंग में धमाकेदार शुरुआत कर दी है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे देवरा के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ थलापति विजय की द गोट के 19 दिन और स्त्री 2 के 40 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे पिछले हफ्ते रिलीज हुई तुम्बाट के 11 दिन और इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म युद्रा के भी 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई हॉरर फिल्म तुम्बाट के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है सोहम शाह, 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया है, जहां पर फिल्म को सिनेमा घरों में हो चुके हैं 11 दिन और फिल्म ने 11 दिनों के अंदर इतनी शानदार कमाई कर ली है जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर तुम्बाट फिल्म का जो 11 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इस फिल्म के बजट से भी कहीं ज्यादा हो चुका और जितनी कमाई इस फिल्म ने 6 साल पहले रिलीज होकर करी थी उससे ज्यादा की कमाई इस फिल्म की इस वक्त हो चुकी है। हालांकि बात करें तुम्बाट के 11 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने शुरुआती 9 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 18 करोड़ 98 लाख रुपए का किया था, वही फिल्म ने अपने 10वें दिन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। हालांकि दोस्तों, आज मंडे होने की वजह से फिल्म की ऑक्यूपेंसी में काफी ज्यादा ड्रॉप आ चुका और यह फिल्म अपने 11वें दिन 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, तुम्बाट मूवी का शुरुआती 11 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 23 करोड़ 21 लाख रुपए का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 27 करोड़ 62 लाख रुपए। बता दे दोस्तों, फिल्म का जो पहले का कलेक्शन है उसे भी जोड़ दिया जाए तो इस फिल्म की टोटल कमाई हो चुकी है 42 करोड़ 97 लाख रुपए की और यह फिल्म बन चुकी है सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई एक्शन पैक्ड फिल्म युद्रा के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सिद्धांत चतुर्वेदी और उनके साथ में है राघव जुयाल, बताना चाहूंगा दोस्तों 30 करोड़ के बजट में बनी युद्रा फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 4 दिन। पहले दिन तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बंपर ओपनिंग मिली थी लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छा खासा ड्रॉप आ चुका था, वही तीसरे दिन था संडे जिसके चलते फिल्म की कमाई में फिर से एक बार उछाल आया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे दिन मंडे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन एक बार फिर से काफी ज्यादा नीचे जा चुके हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें युद्रा के 4 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म ने रिलीज होते ही पहले दिन 4 करोड़ 52 लाख रुपए की कमाई की थी, वही दूसरे दिन कमाए थे 1 करोड़ 75 लाख रुपए और तीसरे दिन 2 करोड़ 35 लाख रुपए। वही बात की जाए आज यानी कि चौथे दिन की, तो दोस्तों युद्रा फिल्म अपने चौथे दिन लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, युद्रा फिल्म का शुरुआती 4 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 10 करोड़ 12 लाख रुपए का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 12 करोड़ 4 लाख रुपए। जैसे कि दोस्तों आपको पता है फिल्म का बजट है 30 करोड़ रुपए, उस हिसाब से देखे जाए तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए अभी तो और ज्यादा कमाई करना होगी, लेकिन अभी फिल्म को सिर्फ 4 दिन हुए हैं, अभी से इस फिल्म को हिट या फ्लॉप कहना काफी गलत होगा, तो इंतजार करते हैं कि आने वाले दिनों में इस फिल्म की कमाई और कहां तक जाती है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म देवरा के बारे में, जी हां दोस्तों, पैन इंडिया फिल्म देवरा, जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर, कोटाला शिवा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज होने जा रही है 27 सितंबर को और फिल्म की रिलीज में अब बाकी रह गए हैं सिर्फ 4 दिन। ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म की जो ओवरसीज की बुकिंग है वो तो काफी पहले शुरू हो चुकी थी लेकिन फाइनली कल से इस फिल्म की इंडिया में भी बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां पर फिल्म को पूरी तरह से धमाकेदार रिस्पांस मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म की इंडिया में बुकिंग सबसे पहले बेंगलुरु में शुरू की गई थी और देखते ही देखते इस फिल्म की टिकटें धड़ाधड़ बिकती गई और कई शोज पहले से ही ऑलरेडी हाउसफुल हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया के बाकी यानी कि
की हिंदी मार्केट में भी इस फिल्म की बुकिंग लिमिटेड जगह पर शुरू हुई और वहां पर भी फिल्म को एक तरह से डिसेंट रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि फिल्म का जो मेन मार्केट है तेलुगु स्टेट, वहां पर फिल्म की फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की है और जैसे ही तेलुगु स्टेट में इस फिल्म की बुकिंग शुरू होगी उसके बाद तो ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन बुकिंग से ही कर डालेगी। लेकिन इस वक्त अगर बात करें देवरा के वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि देवरा फिल्म की पांचों भाषाओं से जो ऑल इंडिया बुकिंग है फर्स्ट डे की वो 4,36,00,000 रुपए की हो चुकी है। वही दोस्तों फिल्म की जो ओवरसीज की बुकिंग है वो फर्स्ट डे की 22,47,00,000 रुपए की हुई है। यानी कि दोस्तों देवरा फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो 26,83,00,000 रुपए का हो चुका है। वही बात करें वीकेंड बुकिंग की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की जो इंडिया की वीकेंड बुकिंग है वो 6,58,00,000 रुपए की हो चुकी है। वही फिल्म की ओवरसीज वीकेंड बुकिंग 31,63,00,000 रुपए की हो गई है। यानी कि दोस्तों देवरा फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वीकेंड का वो हो चुका है 38,21,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 4 दिन बाकी है लेकिन फिल्म अभी से ही 38,00,00,000 रुपए से ज्यादा का एडवांस बुकिंग कलेक्शन वीकेंड का कर चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों जब ये फिल्म 4 दिन बाद रिलीज होगी तो इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन आखिर कितना आता है और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाती है या नहीं। वही दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के बारे में, अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2, जिस फिल्म में लेडी सुपरस्टार श्रद्धा कपूर के साथ में हमें पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई स्त्री 2 को सिनेमाघरों में अब हो चुके हैं 40 दिन और ये फिल्म 40 दिनों के अंदर दुनिया भर में 850 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हां दोस्तों, फिल्म का बजट था सिर्फ 80 करोड़ रुपए लेकिन ये फिल्म सिनेमाघरों में अपने बजट से 10 गुना से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है। हालांकि दोस्तों फिल्म का इंडिया का कलेक्शन तो रिकॉर्ड तोड़ है, साथ ही साथ फिल्म ने विदेशों से भी जो कमाई की है वो पूरी तरह से धमाकेदार है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें स्त्री 2 के अब तक के यानी कि 40 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर के स्त्री 2 ने शुरुआती 38 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 598,90,00,000 रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने 39वें दिन यानी कि छठे रविवार 5,11,00,000 रुपए की शानदार कमाई की। वही बात करें इस फिल्म की आज यानी कि 40वें दिन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को आज मंडे होने की वजह से काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला है ऑक्यूपेंसी में और ये फिल्म अपने 40वें दिन यानी कि छठे सोमवार 1,70,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों स्त्री 2 का शुरुआती 40 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 605,71,00,000 रुपए। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 714,80,00,000 रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म का 40 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 853,25,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों, फिल्म 40 दिनों में दुनिया भर के अंदर 850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करके हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में स्त्री 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड है इसे कौन सी बॉलीवुड की फिल्म तोड़ पाती है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें थलापति विजय की फिल्म द गोट के बारे में, वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिस फिल्म में थलापति विजय हमें ट्रिपल रोल में देखने को मिले थे। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को भी सिनेमाघरों में अब हो चुके हैं 19 दिन और ये फिल्म 19 दिनों में कर चुकी है ताबड़तोड़ कमाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 375 करोड़ के बजट में बनी द गोट फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया था और फिल्म ने 5 भाषाओं से दुनिया भर में अच्छी खासी कमाई कर ली है। कमाल की बात दोस्तों यह है कि फिल्म ने 2 हफ्तों में तो अच्छा खासा कलेक्शन किया लेकिन 3रे हफ्ते में फिल्म की जैसे ही एंट्री हुई थी वैसे ही 5 भाषाओं की नई नई फिल्में आ चुकी थी, जिसके चलते गोट के जो स्क्रीन से वो सभी भाषाओं में 3रे हफ्ते में काफी कम कर दी गई थी। लेकिन कम स्क्रीन पर भी इस फिल्म ने पूरी तरह से धमाका किया और 3रे हफ्ते के कलेक्शन एक तरह से काफी बढ़िया निकल कर आए। हालांकि बात करें यहां पर द गोट के अब तक के यानी कि 19 दिनों के सभी भाषाओं के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर द गोट फिल्म का जो अब तक का हिंदी नेट कलेक्शन है वो 22,13,00,000 रुपए का हो चुका है जबकि हिंदी ग्रोस कलेक्शन 26,34,00,000 रुपए। हालांकि अब बात करें फिल्म के 5 भाषाओं के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 17 दिनों में ही ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 238,27,00,000 रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने अपने 18वें दिन 5,32,00,000 रुपए की कमाई की थी। बात करें इस फिल्म की आज यानी कि 19वें दिन के कलेक्शन की, तो फिल्म को
जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले 60% ड्रॉप हो चुकी है और ये फिल्म अपने 19वें दिन 2,15,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों द गोट का शुरुआती 19 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 245,74,00,000 रुपए का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 292,43,00,000 रुपए। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो दोस्तों फिल्म का 19 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 448,61,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों फिल्म दुनिया भर में सभी भाषाओं से 448,61,00,000 रुपए की कमाई कर चुकी है और कल तक इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 450,00,000 का आंकड़ा भी पार कर देगा। तो देखते हैं दोस्तों आप फिल्म 450,00,000 का आंकड़ा कल पार कर देगी, उसके बाद जब तक देवरा रिलीज नहीं होती तब तक इस फिल्म के कलेक्शन और कितने आते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही देवरा रिलीज होगी उसके बाद द गोट की जो स्क्रीन से और भी काफी ज्यादा कम कर दी जाएगी। हालांकि ये भी खबरें आ रही है कि इस फिल्म को जो OTT रिलीज है वो भी शायद 1-2 हफ्ते बाद होने वाला है, तो फिल्म की जो कमाई है वो ज्यादा से ज्यादा 10-1 दिन की और है। उसके बाद देखते हैं कि फिल्म का फाइनल कलेक्शन आखिर कहां पे जाके रुकेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जितनी कमाई द गोट ने की है उतना कलेक्शन जूनियर NTR की देवरा कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।